खबर है कानपुर देहात से, जहां आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने डीएम सीडीओ से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि किसानों की कई बीघे फसल को आवारा पशु सफाचट कर गए। वहीं रात के सर्द मौसम में किसान अपनी फसल की रखवाली करने को मजबूर है, साथ ही आवारा पशुओं के हमले से कई किसान घायल हो गए हैं। इसी के चलते आक्रोशित किसानों ने सीडीओ कार्यालय पहुंचकर मुख्य विकास अधिकारी को दिया ज्ञापन। वहीं सीडीओ ने आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। शायद 300 साड़ा हमारे गांव में है और सारी फसल चौपट कर दी और चार आदमी को चुटैल कर दिया जो कि हैलट में भर्ती है। और डीएम से मिले, यहाँ सीडीओ साहब से मिले और सीडीओ साहब ने कहा निर्दिष्ट जो हो गौशाला वहाँ भर्ती किया जाए। अरे भाई बस साढ़ सैकड़ों साढ़ घूम रहा है, आदमी घायल हुए हैं, रात दिन जग रहा है आदमी। अब हम लोगों से पूछो कैसे खेती हुई रही, क्या खाया जाएगा, तैयार फसलें लाई के चबा के। अब बताओ लाई की गेहूँ चना तो बातें छोड़ो, ये तो सब खाई जाएंगे। आपने जिले को चटकारियों से बात की, हाँ अभी डीएम साहब से उन्होंने भी कहा, सीडीओ साहब ने भी कहा नियरेस्ट जो है, लेकिन कुछ हमें लगे थे कुछ गड़बड़ो मैं दिखा दे। अच्छा, हाँ देखिए आज विकास भवन में जन सुनवाई के दौरान बिगाही के सम्मानित ग्रामवासी आए हैं और इन्होंने गंभीर समस्या बताया है कि वहाँ नंदी या सांड से काफ़ी लोग चोटिल भी हो गए हैं और वहाँ पे बता रहे हैं 200-300 सांड खुले में घूम रहे हैं। तो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भी मैंने तुरंत बुलाया है और इनको खंड विकास अधिकारी को और अधिशासी अधिकारी को मौके पर भेज रहे हैं। कैटल कैचर से सांडों को पकड़ के जो नज़दीकी नंदीशाला है जो कि नबीपुर में है और एक सरवनखेड़ा में है, वहाँ पर सांडों को शिफ्ट किया जाए और अगर आसपास इसी गाँव में आसपास जगह है तो वहाँ पर एक टेम्प्रेरी गौशाला बनवाने के भी निर्देश दिए हैं।